Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss letter, consonants, vowels, consonant cluster, initial consonant cluster, final consonant cluster, monoptal, diphthong and triphthong. Yani aaj hum letters, consonant, vowels, consonant cluster, initial consonant cluster, final consonant cluster, monoptong, diphthong और triphthongs की examples और definitions पढ़ेंगे. तो चलते हैं definitions की जानिब. So first of all, we will define vowel. What is a vowel? A vowel sound is pronounced with the mouth open and allows the air to flow freely through it from the lungs. Vowel की आवाज को मुंह खोले रखने के साथ तलफ्फुज किया जाता है और फेफड़ों से हवा को आजादाना तौर पर उसके जरिए बाहर निकाल देता है, यानी बहने देता है. फॉर एग्जाम्पल, ए ई आई ओ यू, यानी वॉवल्स वो हरूफ है जो उर्दू में अलिफ की आवाज देते हैं, जैसे ए ई आई ओ एन यू. अब हम कॉन्सोनेंट की जानिब आएंगे. व्हाट इज consonant? A consonant sound is pronounced with some type of constriction of the flow of air that involves either the lips or the tongue. Ek consonant awaz ka hawa ke bahav ki kisi qisam ke tangi ke saath jisme hont ya zuban shamil hoti hai तलफ्फुज़ किया जाता है, यानी कंसोनेंट वो हुरूफ है जो अलिफ के आवाज नहीं देते और ये ऐसे हुरूफ है जो मुंह से निकलते हैं हवा के जरिए, मगर उसको होंट और जुबान के मदद से रोका जाता है, जिसको हम कंसोनेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स Y and Z. अब हम कंसोनेंट को मिलाते हैं. जब दो कंसोनेंट मिल जाए तो उससे क्या बनता है? What is a consonant cluster? Consonant cluster क्या है? A consonant cluster, in a word, is a group of different consonants, two or three, that combine together without any vowel between them. Consonant cluster वो हुरूफ है, अल्फाज में हुरूफ का वो मजमुआ है जो दो या तीन consonant से मिला हुआ हो और इसमें कोई vowel नहीं पाया जाता, जिसको हम कंसोनेंट क्लस्टर कहते हैं. ये दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टार, ग्रीन, ब्लैक, ब्रेड एटसेट्रा. स्टार में एस टी जो है एक कंसोनेंट क्लस्टर है. ग्रीन जिसमें जी आर कंसोनेंट क्लस्टर है. ब्लैक, ब्लैक में बी एल और सी के
अलहदा अलहदा क्लस्टर है। ब्रेड में बी आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आर एन टू पोजिशंस। कॉन्सोनेंट क्लस्टर दो पोजिशन यानी दो हालतों में या जगहों में इस्तेमाल होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। पहले को हम इब्तदाई यानी इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर और दूसरे को हम फाइनल यानी आखिरी कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। तो पहले हम इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर को बयान करेंगे। व्हाट इज इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर? इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है? इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कॉन्सोनेंट का ग्रुप होता है एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड। ये एक लफ्ज के शुरुआत में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार, ग्रीन, ब्लैक, ब्रेड एटसेट्रा। स्टार में एस टी पहली पोजीशन में आए हैं यानी ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। ग्रीन में जी आर और ब्लैक में बी एल और ब्रेड में बी आर इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर को जाहिर करते हैं। अब हम फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर की जानिब आएंगे। व्हाट इज फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर? फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है? फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है ये कॉन्सोनेंट का ग्रुप होता है एट द एंड ऑफ द वर्ड और ये लफ्ज यानी लफ्ज के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक, ब्रिंग, ट्रिक, डच एंड डिंग। ब्लैंक में एन के फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। इस तरह ब्रिंग में एन जी, ट्रिक में सी के, डच में टी सी एच और डिंग में एन जी फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर को जाहिर करते हैं। अब हम वॉवल्स की जब कम्बिनेशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो पहले हम मनाप्तंग को बयान करेंगे। व्हाट इज मनाप्तंग? अ सिंगल वॉवल्स साउंड एंड हैविंग वन सिलेबल इज कॉल्ड मनाप्तंग। एक वाहिद सिंगल साउंड, सिंगल वॉवल साउंड जो के जिसमें एक सिलेबल हो यानी एक ही सांस में बयान किया जाता हो उसको हम मनाप्तंग कहते हैं। जैसे बट, कट, हॉट, टॉप, लॉट, पॉट, बक, लक, टक एटसेट्रा। अब हम डिप्तंग की जानिब आएंगे। व्हाट इज डिप्तंग? डिप्तंग क्या है? आर डिप्तंग इज अ साउंड मेड बाय कंबाइनिंग टू वॉवल्स स्पेशली व्हेन इट स्टार्ट्स एज वन वॉवल साउंड एंड गोज टू अनदर लाइक द ओए। डिप्तंग दो वॉवल साउंड से मिलकर बना हुआ होता है यानी पहले वॉवल से शुरू होता है और दूसरे वॉवल साउंड तक जाता है। यानी पहला वॉवल साउंड लंबा होता है और दूसरा वॉवल साउंड दरमियान में होता है यानी निचली सतह पर होता है। जैसे ओए,
फॉर एग्जाम्पल नॉट सर्व ऑन द सीव लेट चेक एटसेट्रा। अब हम ट्रिप्टंग की जानिब आएंगे। व्हाट इज ट्रिप्टंग? ट्रिप्टंग्स आर वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ वॉवल्स। ट्रिप्टंग्स थ्री किस्म के वॉवल साउंड से मिलकर बना है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन वन वॉवल साउंड फॉलोस अ डिप्टंग। ये तब वजूद में आता है, यानी ट्रिप्टंग तब आता है जब एक वॉवल साउंड डिप्टंग से मिलकर बन जाए, तो इससे हम ट्रिप्टंग कहते हैं। ईच वन ऑफ देम शुड बी प्रोनाउंस नॉर्मली विद अ स्मूथ ग्लाइड बिटवीन देम। हर एक को प्रोनाउंस यानी नॉर्मल तरीके से बयान किया जाता है, जो कि स्मूथ यानी नरम अंदाज में उसके दरमियान फासला रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट रन क्वाइट ट्रायल प्लेयर वेटरियल ग्रे आइट एटसेट्रा। ये हमारे साथ ट्रिप्टंग को जाहिर करते हैं। For more updates, subscribe to our channel.